बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एचआर के बहुत सारे मज़े के काम होते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स एक बहुत खूबसूरत एरिया है जो किया जाता है। लेकिन रिक्रूटमेंट करने के बाद जब स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया जाता है, तो उनकी इंडक्शन और ऑन बोर्डिंग का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जो कि एचआर और पीपल प्रोफेशनल्स ख़ास तौर पे उनके अंदर बहुत ज़रूरी है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये तीन एकसाथ पे मुश्तमिल है, और हम इसमें तीन छोटे छोटे सेशंस करेंगे, जिसमें हम इंडक्शन होती क्या है, ऑन बोर्डिंग होती क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी किस्त में हम इसकी जो लिस्ट है वो आपको तकरीबन काफ़ी हद तक एक अच्छी लिस्ट है वो शेयर करेंगे आपके साथ, कि क्या क्या होना चाहिए इंडक्शन और ऑनबोर्डिंग के दौरान। और जो तीसरी किस्त है उसके अंदर हम इसमें जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं एचआर के लोगों की होनी चाहिए मुख्तलिफ लेवल्स पे इंडक्शन और ऑनबोर्डिंग करते हुए, वो क्या हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो जो पहला एपिसोड है, इसमें हम इंडक्शन और ऑनबोर्डिंग के हवाले से इसकी जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं ये होती क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो इंडक्शन है वो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस दैट इनेबल्स द इंटीग्रेशन एंड इंगेजमेंट ऑफ न्यू हायर्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी नए हायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, जो नए लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, उनकी इंटीग्रेशन के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको इंडक्शन कहा जाता है, और जो अमल होता है उसका, उसको ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन और इंडक्शन का नाम दिया जाता है। इट इज़ एन इफेक्टिव, और जो इफेक्टिव इंडक्शन होती है दैट मे आल्सो इंपैक्ट टर्नओवर, एब्सेंटिसिज्म एंड एम्प्लॉयर ब्रांड। तो जो इफ़ेक्टिव इंडक्शन का जो प्रोसेस चलता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कितनी अच्छे तरीके से आप वो इंडक्शन करते हैं, वो डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में टर्नओवर कितना होगा, एब्सेंटिसिज्म कैसा है, और एम्प्लॉयर के ब्रांड पे। और कैसे ऐसे डालती है कि अगर लोग जब नए आते हैं उनको बड़ी तफसील के साथ ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कर दिया जाए और उनको वो तमाम चीज़ें बता दी जाएँ, जो कि ऑफकोर्स जो नया आने वाला है, किसी भी जगह पर नया जाता है उसको पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर उसको सही तरीके से एचआर के लोग और जो लाइन मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो बता सकें, तो वो लोगों की जो नए आने वाले हैं उनकी मोटिवेशन का बायस बनेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग का बायस बनेगा, उनको एक बेहतर प्रोडक्टिविटी देने में मददगार साबित होगा। और जब ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी तो एब्सेंटिसिज्म पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर पे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर का ब्रांड है उसको भी बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जो एम्प्लॉय इंडक्शन होती है उसमें एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसका एक अच्छा एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी हैं उनका तो ख़ास तौर पे, जैसे हम जब मैं क्रेसेंट में था तो वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेसेंट बाहुमान, और उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, लेकिन उसको इंडक्शन प्रोग्राम भी कहा जाता था, कि जितने भी हर लेवल के लोग जो थे वो वहाँ पर आते थे और उस प्रोग्राम में शामिल होते थे, और उनको उस, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, उस प्रोग्राम से गुजरना पड़ता था। और जो उसकी लेंथ है और जो नेचर ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस है उसका जो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, जॉब रोल क्या है, और जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनका किस तरह से उनका लेवल क्या है। तो ये वन साइज़ फिट ऑल नहीं हो सकता हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर पोजीशन के लिए भी, और इसको कस्टमाइज़, जितना ज़्यादा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइजेशंस में चलाया जा सकता है। और इंडक्शन प्रोग्राम चाहिए किसको होता है, हर किस्म के लोगों को चाहिए होता है, जो कि अगर ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कि पहली दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं या जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, ये हर ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आया है, वो चाहे डायरेक्टर लेवल पे आया है, चाहे बहुत सीनियर लेवल पे आया है, मैनेजर लेवल पे आया है, या बहुत जूनियर लेवल पे आया है, हर किसी के लिए इंडक्शन प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने पहले देखा कि ये ज़रूरी किस लिए है, कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उस नए इंडिविजुअल को, जिसने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा पार्ट वहाँ पर गुजारने की ख्वाहिश है उसकी, पता नहीं गुजारता कितना है, लेकिन दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसने उसमें गुजारना है, जिसमें वहाँ पर उसने अपने
तनख्वाह लेनी है, अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी है, तो वो जब कंट्रीब्यूशन वो इतनी अच्छी डाल सकता है, और ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, मैं चूँकि ख़ुद भी इंडक्शन प्रोग्राम्स रन करता रहा हूँ एचआर के डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे, सो आई हैव सीन के जो लोग बड़े अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू गुजरे हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम और अच्छा टाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजारते हैं, बनिस्बत उनके जिनकी किसी किस्म की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया नहीं जाता या उनको ऑन देयर ओन छोड़ दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ वो करें, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो टर्न ओवर है उसका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि जो लोग नए आते हैं वो चाहे जिस लेवल पे भी हो, उनकी इंडक्शन प्रॉपर नहीं की जाती, उनको ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में नहीं बताया जाता, वैल्यूज़ के बारे में नहीं बताया जाता, उनके जॉब रोल के बारे में तो उनका डिपार्टमेंट हेड उनको बता देगा, लेकिन एचआर का बड़ा ज़रूरी काम है कि वो उनको ऑर्गेनाइजेशन की उन तमाम जो निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं जिसकी बुनियादों पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई उसके बारे में बताएँ, ताकि वो उसको ओन कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन को। बैड और नो इंडक्शन प्रोग्राम हैज़ फॉलोइंग डेंजर्स, ठीक है, कुछ चंद एक डेंजर्स हैं अगर आपका इंडक्शन प्रोग्राम है ही नहीं या बुरे तरीके से रन किया जाता है, या आप समझते हैं कि यार बस एक दिन पढ़ा दिया, लोगों को बता दिया, लोगों से मिलवा दिया, एक चक्कर लगवा दिया फैसिलिटी का, ऑफिस का, और लोगों को पता चल गया, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड इंडक्शन प्रोग्राम्स, और अगर नहीं है तो इस किस्म के डेंजर्स हो सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट एंड टाइम फॉर रिक्रूटमेंट एंड रिप्लेसमेंट, और वो चूँकि टर्न ओवर हो जाएगा, लोग छोड़ के जा सकते हैं, तो एडिशनल टाइम आपका लगेगा उसकी रिप्लेसमेंट में अगर ऐसा बंदे का जो कि आपको जिसकी आपने प्रॉपर तरीके से इंडक्शन नहीं की। लोअरिंग ऑफ मोरल ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ, जब ये कुछ हो जाता है कि लोग छोड़ के जा रहे होते हैं और लोगों को पता नहीं होता और लोग नए नए आ रहे होते हैं, तो जो लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका मोरल कम हो जाता है कि लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और ये बड़े मज़े की बात है कि जो लोग छोड़ के जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है वहाँ पे एक जो मोरल है लोगों का वो भी बहुत लो होता है, लोग ये भी सीख रहे होते हैं कि हमें शायद कोई ऐसी खराबी है कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हमें कोई जॉब नहीं मिल रही और लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो वो भी उतनी इंटरेस्ट के साथ जॉब नहीं कर रहे होते। वेस्टेड टाइम ऑफ दी जो कि इंडक्शन कर रहे होते हैं उनका वेस्टेड टाइम होता है कि वो उन्होंने एक दफ़ा इंडक्शन की, थोड़ी बहुत ही इंडक्शन की और उसके बाद काम ख़त्म हो गया, और फिर वो जो एक दिन उन्होंने लगाया, दो दिन लगाए, वो ज़ाया हो गया क्योंकि लोग छोड़ के जाने लग गए। डिट्रीमेंट टू द लीवर्स एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जो कि छोड़ के जा रहे होते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, उनकी तरफ से भी एक बुरी बात है कि उनकी इंडक्शन बेचारों की नहीं हुई और उस वजह से उनको सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन का पता ही नहीं चल सका और वो बहुत जल्द छोड़ गए, और वो फिर अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड उनका ख़राब होता है जो कि क्विक जॉब चेंजेस उनके रिकॉर्ड में आती हैं। हैविंग टू रिपीट द अनप्रोडक्टिव लर्निंग कर्व ऑफ द लीवर, जो अनप्रोडक्टिव लर्निंग कर्व, एक आपने बताया समझाया बंदे को और वो छोड़ के चला गया तो उसका एक अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया जो कि आपको दोबारा से करना पड़ता है। डैमेज द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर ब्रांड ख़राब होता है, लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और जाके ये बातें करते हैं कि जी वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो हमें कुछ समझाया नहीं गया, हमें कुछ बताया नहीं गया, जिसकी वजह से हम वहाँ से छोड़ के चले गए। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी किसकी है इन लोगों की इंडक्शन की, ये ऑफकोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एचआर के और एलएनडी के प्रोफेशनल्स की है, जो पीपल प्रोफेशनल्स हैं जिनका ये काम है कि उन्होंने लोगों को लेके आना है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इंडक्ट करें, उनका इंडक्शन प्रोग्राम चलाएं, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की तमाम जो प्रॉज एंड कॉन्स, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिनके बारे में बताएं, तो ये मेजर काम एचआर और एलएनडी के प्रोफेशनल्स का है, और सेकंड नंबर पे ऑफ कोर्स वहाँ के लाइन मैनेजर्स, उनके अपने लाइन मैनेजर्स का ये काम है जो कि वो इससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। लाइन मैनेजर्स ने ऑफकोर्स उनको सिखाना है, उनको समझाना है कि उनका काम किस तरह से बेहतर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो आए हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को उनको समझाना और रोल को
प्रॉपर तरीके से उनको बताना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इन दोनों का ही काम है, लाइन मैनेजर्स का और ऑफ कोर्स जो एचआर कैडर है। अच्छा, अब इसके तीन प्रोसेसेस, इसके जो तीन एरियाज हैं जिनको कवर करना चाहिए, ये हम तीसरे एपिसोड में बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसको तीन स्टेजेस में बता रहा हूँ कि बेसिक्स का बताना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि बिल्डिंग की ओरिएंटेशन उनको होनी चाहिए कि जी कौन कहाँ बैठता है, कौन सा डिपार्टमेंट किस जगह पर है, अकाउंट्स कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ पर है, आईटी वाले कहाँ बैठते हैं, कैफेटेरिया कहाँ है, रेस्ट रूम्स कहाँ हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं वो कहाँ हैं, अगर कभी खुदा न खास्ता फायर लग जाता है तो आपने क्या करना है, एमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पे हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम प्रोसीजर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी बेसिक्स हैं, ये होनी ही चाहिए, ये हर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, हर इंडक्शन प्रोग्राम में ये ज़रूर होने चाहिए। स्टेज टू पे आप कंपनी की स्ट्रेटजी बताते हैं, ये हायर लेवल की इंडक्शन है जहाँ पे आप कंपनी की स्ट्रेटजी, उसकी सर्विसेज, उसकी वैल्यूज, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी तमाम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन जो है वो आप देते हैं। और जो थर्ड स्टेज है उसमें जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कि जैसे हमने कहा कि लाइन मैनेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, कि जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी इसका, क्योंकि देखें जो भी नया इंडिविजुअल आया है ही और शी माइट बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल, वो बहुत अच्छा, उसको अपनी नॉलेज उसको बहुत अच्छी होगी, स्किल्स बहुत अच्छी होंगी उसके पास, लेकिन उसकी जो स्किल्स हैं और उसकी जो नॉलेज है उसको कस्टमाइज करना लाइन मैनेजर्स का और एचआर के लोगों का काम है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जहाँ पे वो अब काम करने आए हैं। सो ये जो इंडक्शन का जो प्रोसेस है, दिस इज़ बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ दोज नॉलेज एंड स्किल्स दैट इंडिविजुअल हैज़ ब्रॉट इनटू द योर ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द नॉलेज एंड स्किल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो अब काम करने के लिए आया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी नए आने वाले के लिए कि उसकी जो 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 इंडक्शन है वो इन तीन स्टेजेस से ज़रूर गुजरे। ठीक है, इंडक्शन की कैसे जाती है, इसके चार पांच प्रोसेसेस हैं जो कि अभी आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगे। एक तो प्री फर्स्ट डे ओरिएंटेशन, प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये बड़ा मज़े की चीज़ है, आगे चल के अगली किस्त में हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट डे से पहले जो पहला दिन है उससे पहले भी ओरिएंटेशन शुरू हो जाती है, उससे पहले भी आपको बताया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन ट्रांसवर्ल्ड एसोसिएट्स, तो हमने एक सीनियर मैनेजर को हायर किया और उनकी अभी हायरिंग में कोई तकरीबन 15-20 दिन का वक्फा था, अभी आगे उन्होंने हायर करना था, लेकिन उससे पहले ही उनके हायरिंग से पहले पहले दिन से पहले ही एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो रही थी और उसमें हम सारे ही सीनियर मैनेजर जो थे उसमें मौजूद थे। तो वी स्पेशली आस्क्ड हिम टू, सिंस दिस इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वी आर मैनेजिंग, सो यू शुड कम एंड अटेंड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप दो दिन निकाल सकें और आ जाएँ। उन्होंने ही एग्रीड एंड ही केम इन टू दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम और दिस वॉज, आई रिमेंबर दिस वॉज टाइम ऑफ लेट 2010 और अर्ली 2011 का टाइम था जब ही वॉज हायर्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और अभी तक ही 2020 आई थिंक अबाउट, मेरी उनसे लास्ट बात जो है कोई 3-4 महीने पहले हुई थी, ही वॉज स्टिल देयर इन दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड ऑल दो ही वॉन्टेड टू लीव नाउ बट येस दैट्स द टाइम दैट ही हैज स्पेंड, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब देयर। थ्रू सोशल मीडिया आप ये कर सकते हैं अपनी प्री इंडक्शन, आप अपने फेसबुक पेज उनको शेयर करें, उनके साथ अपने अकाउंट शेयर करें लिंक्डइन के, उनको कहें कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है। फिर उसके बाद क्लासरूम ओरिएंटेशन होती है, जब आ जाते हैं तो एक क्लासरूम के थ्रू भी आप और जहाँ पे इकट्ठे बहुत सारे लोगों की हायरिंग होती है वहाँ पे क्लासरूम ओरिएंटेशन भी हो सकती है। फिज़िकल विजिट्स जो हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के वो करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, तो वो भी कस्टमाइज़ करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए ज़रूरी है उन तमाम प्लांट्स का जानना, ख़ास तौर पे मैनेजमेंट के सीनियर लोग, तो उनको ख़ास तौर पे उधर भेजा जा सकता है और जाना चाहिए कि वो जाके देखें ताकि वो अच्छी प्रोडक्शन दे सकें। डिजिटल विजिट्स एंड ओरिएंटेशन, और अगर जिनको नहीं भेजा जा सकता, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी ऑनलाइन ओरिएंटेशन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए। सरीना होटल्स में हम जब इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में लोगों को हायर करते थे, सो हमारे चूँकि 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी पाकिस्तान में भी और कुछ पाकिस्तान से बाहर भी, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी थी, तो हम उनके बारे में उनको
ज़ाहिर है सबको जूनियर लेवल पे नहीं भेजा जा सकता था, तो हम उनको ऑनलाइन ओरिएंटेशन ज़रूर देते थे तस्वीरों के थ्रू और कुछ वीडियोस के थ्रू उनको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते थे। फिर बड़ी सिस्टम है एक जो बड़ा मशहूर है ऑर्गेनाइजेशंस में कि आप किसी इंडिविजुअल को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल प्लेस्ड एम्प्लॉई के साथ उसको अटैच कर देते हैं और जो भी उसको इश्यूज़ होते हैं जो वो बात पूछना चाहता है वो उसका बड़ी उसको बना देते हैं और वो उसको उसके साथ वो उससे पता कर सकता है बजाय इसके कि वो खुद ढूंढता फिरे या लोग मुख्तलिफ लोगों से बातें करता फिरे, तो वो किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ। सो एचआर का ये काम है कि वो ऐसे आइडेंटिफाई कर दें लोग जो के बड़ी बन सके मुख्तलिफ लोगों के, एक इंडिविजुअल 3, 4, 5, 6 लोगों का भी बन सकता है, ताकि वो आप ऐसे ऐसे लोग जो के जिनको ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के बारे में, कल्चर के बारे में, उनकी थीम के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है उनके पास, तो उनको आप वजह करें। देन फीडबैक डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, जिन लोगों को आपने इंडक्ट किया है और उनका इंडक्शन प्रोग्राम चलाया है, उनकी ओरिएंटेशन की है, ये फीडबैक मैकेनिज्म बड़ा ज़रूरी है कि उनसे फीडबैक लें आफ्टर फ्यू मे बी डेज़ के उनकी कैसी चल रही है ओरिएंटेशन। सो ये अगर आप इसको देखें, एक और बात बड़ी गौर से कि ये बड़ी बेसिक कम्युनिकेशन है और इसमें मैं हमेशा एचआर के लोगों को ज़िम्मेदारी ठहराता हूँ कि एचआर के लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो नए, क्योंकि उनकी टर्नओवर ज़िम्मेदारी है, उन्होंने नए लोग लेके आना है, तो व्हाई वुड यू नॉट टॉक विद द पीपल दोज हु यू हैव ब्रॉट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दोज यू हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन ब्रिंगिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारें, ख़ास तौर पर शुरू का 1-1.5 महीना टेक फीडबैक फ्रॉम देम, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि आपने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से अगर कोई नया आने वाला है उसकी क्या ओरिएंटेशन ठीक हुई है, क्या आपने कोई गलती की है, आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसको बतानी चाहिए थी नहीं बताई। सो गेट गुड, हैव अ गुड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म विद दैट इंडिविजुअल सो दैट आपको पता हो कि आपने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं दोहरानी, या आपको ये पता हो कि आपने अगर कोई गलती हो गई है तो उसको उसी वक्त ठीक कर लिया जाए, ताकि वो बंदा डिसल्यूजन ना हो जाए, वो छोड़ के ना चला जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ा टाइम आपने उसके ऊपर लगाया है उसको हायर करने पर। लेंथ ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, करता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी कितनी बड़ी है और आपने वो जो इंडिविजुअल है उसको किस हैसियत से हायर किया है। और ख्वाहिश यही होती है कि जो भी इंडिविजुअल आए, जो भी नया हायर हो, वो लंबा अरसा वहाँ पे गुजारे, तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो आप इंडक्शन प्रोग्राम को भी कस्टमाइज़ इस तरह से करें कि वो उसकी उन तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके जो कि हेल्प करें उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा प्रोडक्टिव और लंबा टाइम गुजारने में। तो ये 30 दिन का भी हो सकता है, 60 दिन का भी हो सकता है, 90 दिन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड दी पोजीशन दैट इंडिविजुअल हैज़ बीन हायर्ड, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हवाले से। मैं ख़ास तौर पर ये कहता हूँ कि जो बड़ी मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर लंबा इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़े बहुत ऑपरेशन होते हैं, बाज़ का जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको समझते समझते ही एक इंडिविजुअल को 3 महीने गुजर जाते हैं। एक साइकिल जो है वो तो साल में पूरा होता है उसका, लेकिन जो 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 उसको ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, बेसिक रोल ऑफ एचआर इज़ टू मेक दैट इंडिविजुअल प्रोडक्टिव, एंड इन ऑर्डर टू मेक दैट इंडिविजुअल प्रोडक्टिव फॉर अ लॉन्गर एंड सस्टेनेबल टाइम, इट इज़ गुड दैट यू हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, और क्या अवॉइड करना चाहिए आपको इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान, प्रोवाइडिंग टू मच टू सून, ठीक है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देना जो है ना वो भी ख़तरनाक होता है, लोग डर जाते हैं, जिसको कहते हैं ना बिदक ना जाएँ कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके, यार यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई ऐसी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिजनेस से बोनस ही नहीं मिले या हमारा बिज़नेस में ये ख़राबी हो जाती है। हाँ, आप उसको ज़रूर बताएं, उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ना बताएं। गिव देम अ गुड रन अप सो दैट दे कुड फर्स्ट दे कुड फील मोटिवेटेड एंड फील गुड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है उनको अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में बुरी बातें होंगी, होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, और वो उनको बाज़ात खुद पता चल जाती हैं, और हाँ खुद आपको भी बतानी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों से उनको अवॉइड करना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और अभी हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम यू कैन टेल देम दैट यस वी आर ऑल्सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड वी ट्राई टू कवर दोज। मैं अक्सर लोगों से, जब नए लोगों से
आते थे तो उनसे बात करता था, और अभी भी जब लोगों को रिक्रूट करता हूँ उनको बताता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें खराबियाँ होती हैं, उसमें पॉलिटिक्स होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, उसमें बुरे लोग भी होते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं। तो आप जब नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो ये समझ के वहाँ पर मत जाइएगा कि जो आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी उससे ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर वो खराबियाँ, वहाँ पर हो सकता है वो खराबियाँ ना हों लेकिन कोई और खराबियाँ हों। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ख़राब होती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ज़ाहिर है लोगों से ही बनी है, हमारे जैसे ही लोगों से बनी है, ये पाकिस्तान में बहुत सारी दुनिया भर में होती हैं, अमेरिकन्स जो हैं उनके सारी जो सिविलाइज्ड कंट्री, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत बुरे बुरे तरीके से चलती हैं, वहाँ पे भी यही मसले जो यहाँ पे हैं वहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हर जगह पे होती हैं। पिचिंग प्रेजेंटेशन एट एन इनअप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, तो आपने ऐसी जगह पे प्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत सीनियर लेवल पे आए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आप उनको वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, वही प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जो कि आपने जूनियर लेवल पे, सो उनके लिए अच्छा नहीं होगा ये। ठीक है, तो आपने अगर कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा हायर किया तो उनका एक मतलब लगता है इनिशियली कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन नहीं है। उसको उस ओहदे का एक रिस्पेक्टफुल जगह देनी भी आपका हक, उसका हक है उस इंडिविजुअल का, कि आप उसको अगर कोई सिस्टम मैनेजर आया है या मैनेजमेंट ट्रेनी आया है, आप उसी तरह की चीज़ किसी ऐसे बंदे के लिए ना करें जो कि डायरेक्टर लेवल पे आया है या मैनेजर लेवल पे आया है। तो उसका एक ओहदा, क्योंकि वो और ऑर्गेनाइजेशन को देख के आया है, उसकी ज़रूरत और है। तो इसलिए जब पहली स्लाइड से मैंने आपको कहा कस्टमाइजेशन बड़ी ज़रूरी है इसकी। HR other than local manager providing all the information, so HR को तमाम information नहीं provide करनी चाहिए, local managers को भी कुछ करनी चाहिए, और इसी तरह local managers को तमाम information नहीं provide करनी चाहिए, HR managers को भी provide करनी चाहिए। so ये HR managers और जो local और line managers हैं उनको इकट्ठे बैठ के induction program design करना है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या ज़रूरी नहीं है। unreasonable expectations उनकी जनरेट ना हो जाए, इससे अवॉइड करना है कि उनकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन आप शुरू के दिनों से ही दो चार दिनों में आप ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी खूबसूरत तस्वीर खींचते भी हैं, अच्छी बात है, आप ज़ाहिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अच्छी होगी, लेकिन आपने ऐसी तस्वीर खींच दी ऑर्गेनाइजेशन की कि एक्सपेक्टेशन उसकी आसमान पर चली गई हैं और unreasonable expectation हो गई, और उसको दो तीन दिनों के बाद जब हालात सामने आए हैं, जब हनीमून पीरियड ख़त्म हुआ है, तो वो उसको कल ही खुल गई है सारी की यार है, तो ये तो सारा कुछ होता ही नहीं यहाँ पे जो कुछ इन्होंने मुझे बताया। सो उसके बारे में अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, इट शुड बी वेरी थॉट आउट इंडक्शन प्रोग्राम, यू शुड बी एबल टू सिट विद योर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स एंड CEO एंड डिफाइन व्हाट इंडक्शन प्रोग्राम यू आर गोइंग टू डिज़ाइन एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन दैट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी टेलिंग द न्यू inductees in the first week, in the second week, in the third week, in the whatever, how long your induction program lasts. So you need to define a very good induction program for your organization. Aur iske liye kyunki ye bahut important hai, aapke log jo hain wo chhod ke chale jate hain. Ek research hai which says that 86% of the people who said that they have not been properly informed about the organization in their first 1 month or 2 months, they lasted for less than 1 year into the organization. So it's a huge chunk. ये CAPD की research है, उसमें data में है, और ये बहुत बड़ा element है। और बहुत सारे लोग जो कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर हम ये भी एक argument कर सकते हैं कि नहीं, इतनी ज़्यादा लोग छोड़ के नहीं जा रहे organizations में, तो उसके बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी ख्वाहिश ही होती है कि बस वो आ गए हैं और बस, जिसको कहते हैं कि आंखें नीचे करके, सर नीचे करके बस काम करते रहे करते रहे करते रहे, जो भी हो रहा है बस ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी नहीं होती ऐसी। तो जैसे जैसे लोग डिवेलप हो रहे हैं, जैसे जैसे नई नस्ल आ रही है सामने, जैसे जैसे मिलेनियम जनरेशन आगे आ रही है, जैसे जैसे लोग जो हैं वो अच्छी इन्फॉर्मेशन तक पहुँच रही है, तो लोग ज़्यादा कंसर्न होते चले जा रहे हैं कि वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएँ जहाँ पर उनको अच्छे मौके प्रोवाइड किए जाएं अपनी कैरियर को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, फोकसिंग ओनली ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस एंड नॉट ऑन वैल्यूज़, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को ये बताते हैं कि जी आपने इधर नहीं जाना, आपने इधर नहीं जाना है, आपने ये करना है, आपको ये करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ ये हैं, इतने पर जाना है, इतने पर जाना है, इस किस्म की चीज़ों पर ही सिर्फ फोकस ना करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ पे भी फोकस करें, चीज़ों से आप अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं, और फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट नॉट टू डू, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को ये भी बताएं कि क्या करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी बताएं कि जी ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है. सो दिस वॉज अ शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. और हम अगले पार्ट में अब वो जो एक कंप्लीट लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि इंडक्शन में मुख्तलिफ एरियाज़ कौन कौन से कवर करने वाले हैं और एरियाज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.